अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे फिरनी और ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। फिरनी बनाने के लिए हमें जो चीजें चाहिए, 1 लीटर मैंने फुल क्रीम दूध लिया है, 70 ग्राम मैंने चीनी ली है। आप चीनी की क्वांटिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। 15-20 मैंने बादाम लिए हैं, इसको बारीक काट लिया है। 3 टेबल स्पून मैंने चावल का आटा लिया है। 3 टेबल स्पून मैंने डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल का बुरादा लिया है। 1 टीस्पून लेंगे केवड़ा वाटर। तो मैंने यहाँ हैवी बॉटम बॉक ले लिए। अब हम इसमें दूध को शामिल करेंगे और 1/2 कप दूध बचा लेंगे चावल का आटा घोलने के लिए। तो मैंने 1/2 कप दूध बचा लिया है और दूध में बॉईल आने देंगे हाई फ्लेम पर। हाफ कप दूध में डाल रही हूं और इसमें हम डाल देंगे चावल का आटा और इसको घोल लेंगे। ठीक है, ये घुल गया, इसको हम साइड कर देंगे। दूध में बॉईल आ गया है, अब हम फ्लेम लो कर देंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे चावल का आटा जो घोल कर रखा था और इसको चलाते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे अच्छे से। अब हम इसको पकाएंगे जब तक ये थोड़ा थिक नहीं हो जाता। और फ्लेम हम मीडियम लो रखेंगे और चम्मच हम चलाते जाएंगे। तो 15-20 मिनट हो चुके हैं, चम्मच मैंने इसमें मुसलसल चलाया है। अब हमें इसको इससे ज्यादा गाढ़ा नहीं करना है। अब इसमें शामिल करूंगी डेसिकेटेड कोकोनट, मिक्स करेंगे। कटे हुए बादाम थोड़े से हम बचा लेंगे गार्निश के लिए और ये चीनी, और चीनी को मेल्ट होने देंगे। चीनी के मेल्ट होते ही हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा दूंगी, कैसी कंसिस्टेंसी इसकी। तो इस तरीके की कंसिस्टेंसी चाहिए हमें, क्योंकि ठंडा होने पर गाढ़ी हो जाएगी ये। चीनी मेल्ट हो चुकी है, अब हम इसमें डाल देंगे केवड़ा वाटर 1 टीस्पून और इसको डिश आउट कर देंगे। तो तैयार है आज की हमारी ये रेसिपी। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।